गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए बेटा, आज क्लास टेंथ एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने पढ़ लिया था कल। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल जी एक्स द क्वेटेंट एंड रिमाइंडर वेयर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली फाइंड जी एक्स। देखिए बेटा, हमें दिया है कोई भी एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल हम माना एक पी एक्स मान लेते हैं। पी एक्स है दिया हुआ है। पी एक्स क्या दिया हुआ है हमें, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 दिया हुआ है। अब पॉलिनोमियल जी एक्स, जी एक्स क्या होता है बेटा, जिससे हम डिवाइड करते हैं। मैंने बता रखा है आप लोगों को कि ये इस तरीके से होता है। जी एक्स डिवाइड करता है किसको, पी एक्स को, और क्वेटेंट में क्या आता है, क्यू एक्स, और बचता क्या है आपका, आर एक्स। चलिए बेटा, यही चीज हम सीखेंगे आज इस क्वेश्चन में। चलिए, जी एक्स हमें क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड जी एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, और क्वेटेंट एंड रिमाइंडर आर वेयर एक्स माइनस टू एंड ये दिए हुए हैं। चले देख लेते हैं। पहले पी एक्स हो गया, जी एक्स हमें, पी एक्स के बाद क्या आता है, जी एक्स आता है। जी एक्स हमें फाइंड करना है, और क्यू एक्स दिया हुआ है, गिवन है, लिख लेंगे बेटा। चलिए ऐसे लिख लेते हैं, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स। पहले क्यू एक्स यहां पे दिया हुआ है क्वेटेंट। क्वेटेंट क्या है, एक्स माइनस 2 एंड रिमाइंडर आर एक्स माना है हमने, माइनस 2 एक्स प्लस 4 ये है। और फाइंड क्या करना है बेटा हमें, जी एक्स क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए देख लेते हैं। ये मैंने बताया था आप लोगों को, पी एक्स इज इक्वल टू होता है आपका पी एक्स, बिकॉज पी एक्स इज इक्वल टू होता है आपका जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस में आर एक्स, यही होता है। जी एक्स और क्यू एक्स इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो इतना आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस रिमाइंडर जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, पी एक्स आ जाता है बेटा। चलिए देख लेते हैं, पी एक्स हमें दिया हुआ है। पी एक्स क्या है, गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये पी एक्स है हमारा, पी एक्स हो गया, इज इक्वल टू जी एक्स। जी एक्स हमें फाइंड करना है बेटा, जी एक्स हमें पता नहीं है, इंटू क्यू एक्स। क्यू एक्स कहाँ है बताइए, ये है एक्स माइनस 2 और प्लस में क्या है, आर एक्स, प्लस क्या है, आर एक्स। आर एक्स क्या है बेटा, माइनस 2x प्लस 4, ये हमारा आर एक्स है बेटा। चलिए इतना समझ में आ गया होगा, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। पहले हम इसको हम सही सरल कर लेते हैं, या हम इस पूरे टर्म्स को, ये यहां ऐड हो रहा है तो यहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस हो जाएगा आपका x प्लस 2, ये यहां ऐड हो रहा है तो यहां आके क्या हो जाएगा, पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 4। यहां प्लस में था ये पूरा, यहां आके घट गया यानी सब्ट्रैक्ट हो गया, इज इक्वल टू जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 यानी क्यू एक्स है। चले बेटा, इतना आप देख लीजिए पहले। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, और ये प्लस था तो माइनस से ब्रैकेट खोल रहे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 2x हो गया, और माइनस से ब्रैकेट खोल रहे तो पॉजिटिव 4 है तो ये नेगेटिव 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। यहां ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर प्लस 2x, और माइनस प्लस मल्टीप्लाई कर माइनस 4,
इज इक्वल टू जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू। चलिए बेटा देख लेते हैं, ऊपर आप क्वेश्चन उतार लेना, यहां पे मैं सॉल्व कर देता हूं। अब चलिए देख लीजिए, यहां पे हमने क्या करा हुआ है, एक्स क्यू बड़ी बड़ी पावर पहले आती है, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस है आपका प्लस एक्स ये है और टू एक्स ये है, ये सेम सेम है बेटा, क्योंकि एक्स पहले बड़ी पावर थी एक्स क्यूब कोई है नहीं, थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर में भी एक्स स्क्वायर में भी कोई नहीं है, अब पावर क्या है एक्स है, वन पावर है एक्स की एक्स एक्स, तो ये केवल एक्स है और ये टू एक्स है, तो दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, दोनों एड हो जाएंगे प्लस आ जाएगा और एक्स टू एक्स में एक एक्स जुड़ा तो कितने एक्स हो गए थ्री एक्स। चलिए अब ये कॉन्स्टेंट टर्म है, देखो ये प्लस टू है और ये है आपका माइनस फोर, प्लस और माइनस हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं बेटा, और साइन किसका आता है हमेशा बड़ी नंबर का, बड़ी नंबर क्या है फोर, फोर का साइन क्या है माइनस है और फोर में से टू गया टू, इज इक्वल टू क्या करना है हमें जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू से डिवाइड कर सॉरी मल्टीप्लाई कर देना जी एक्स को। आप देखिए बेटा ये जी एक्स से यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां आके डिवाइड एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू डिवाइड कर रहा है इज इक्वल टू जी एक्स, यानी जी एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी यहां लिख सकते हैं हम या और लिख सकते हैं जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं जी एक्स को इधर और इसको इधर ले लीजिए, जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सीधे सीधे कर लेते हैं, चलिए नीचे लाइन से कर लेते हैं, ये आप वीडियो पॉज करके उतार लेंगे बेटा, चलिए उतार लेना मैं इसको सॉल्व कर देता हूं नीचे को। अब क्या करना है हमें जी एक्स को इधर ले लेना है, जी एक्स को इधर ले आना है, जी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखो बेटा जी एक्स इज इक्वल टू क्या है इतना डिवाइड बाय इतना, तो मैं सीधे सीधे करता हूं जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू डिवाइड कर रहा है, क्योंकि मैं आप चाहो तो यहीं पे भी इनके फैक्टर करके एक्स माइनस टू से डिवाइड कर सकते हैं, तो ऐसा आप सभी कर नहीं पाएंगे, या आप फैक्टर कर लेते हैं तो अच्छी बात है, फैक्टर करके इसको आप कैंसिल आउट करा सकते हैं उससे आपका डिवाइड हो जाएगा, या चाहे तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर लो ऐसे जैसे डिवाइड करना बता रखा है आप लोगों को, ठीक है, तो आपका जी एक्स फाइंड हो जाएगा, या आप सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं इन दोनों के ऐसे फैक्टर करो, इनके फैक्टर करने हैं आपको, फैक्टर करने के बाद हमें एक्स माइनस टू क्या लाना है कॉमन में लाना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, अगर ऐसे नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिवाइड करना तो लगभग लगभग सभी बच्चों को बता रखा है, इसको आप फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं बेटा, फैक्टराइज कैसे करना है देखिए, इसको फैक्टराइज करना है हमें, पहले ये एक्स क्यूब ही रहने देंगे हम, माइनस इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये माइनस थ्री है तो ये माइनस थ्री है तो ये किससे बना हुआ है माइनस वन और माइनस टू से, माइनस माइनस ऐड होंगे तो ये अगर एक्स स्क्वायर है तो इसको मैं क्या कर दू माइनस वन एक्स स्क्वायर कर दू माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस टू एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, तो यहां पे लिख लेते हैं हम माइनस टू एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर और बी यहां पे क्या है प्लस थ्री एक्स है और माइनस में टू और अपॉन में क्या कर देते हैं एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, देखो ये देखो यहां पे देख लीजिए इन दोनों में हम क्या कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोनों में बाहर आ जाएगा और यहां पे एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा आपका एक्स माइनस एक्स स्क्वायर था एक्स स्क्वायर बाहर आ गया यहां पे टू बचा, ठीक है, और देखिए यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर है और ये माइनस टू है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनाएंगे आउटर टर्म का एक्सटर्नल टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं बेटा टू वन जै टू टू के ऐसे फैक्टर करो जिनके योग और अंतर यानी एड और सम और डिफरेंस कितना होना चाहिए थ्री एक्स होना चाहिए, देखो टू के फैक्टर टू वन जा टू टू और वन कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा, चलिए ऐसा कर लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर देखो प्लस में है तो प्लस ही रहेगा प्लस टू एक्स
टू एक्स, क्योंकि थ्री एक्स को डिवाइड कर रहे हैं हम इंटू एक्स, टू टू को डिवाइड कर रहे हैं ना, टू वन जै टू आया इसका, क्योंकि हम इतने इतने टर्म्स को ले रहे हैं केवल, क्योंकि ये दो टर्म्स तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, अब हमारे पास तीन टर्म्स बचते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक के फैक्टराइज करने मैंने बता रखे पहले भी आपको, टू वन जै टू एक्सटर्नल टर्म का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जितना आता है यानी प्रोडक्ट कितना है, टू वन जै टू आया, टू के ऐसे फैक्टर, टू वन जै टू ऐसे फैक्टर जिनका सम या डिफरेंस थ्री हो, तो सम हो रहा है देखो टू वन जै टू, टू और वन का सम कितना हो रहा है, टू और वन थ्री एक्स, तो थ्री एक्स ही तो लाना है हमें। चलिए इतना हो जाएगा, ये हो गया आपका टू एक्स प्लस एक एक्स, क्योंकि टू एक्स प्लस वन एक्स बराबर थ्री एक्स हो गया, यहां पे माइनस टू अपॉन में कर देंगे हम एक्स माइनस टू। आप देख लीजिए बेटा यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू आ गया, और माइनस देखो माइनस हम बाहर ले दें, यहां पे दो ग्रुप कर लेते हैं हम, एक ये और एक ये, देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर यहां है, यहां एक्स है, देखो दोनों में एक्स ही है, एक्स इधर भी है एक्स उधर भी है, तो एक्स बाहर ले लेते हैं हम, देखो माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में इन दोनों में एक्स कॉमन बाहर आ गया, तो एक्स स्क्वायर दो पावर थी तो एक्स की एक पावर रही, और देखो माइनस बाहर लिया हमने तो अंदर प्लस है, तो प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और देखो ये हमने एक्स यहां से एक्स लिया है, एक एक्स बचा क्योंकि दो पावर थी, और यहां पे एक एक्स लिया तो एक्स ही यहां आ गया, बाहर आ गया एक्स, तो यहां पे एक्स तो बाहर आ गया, बचा क्या हमारे पास यहां पे टू, यानी एक्स माइनस टू बन गया, तो सारे में कॉमन एक्स माइनस टू ही आना चाहिए बेटा, प्लस एक्स और माइनस टू, इन दोनों में देखिए एक्स इधर है इधर नहीं है, तो एक्स तो कॉमन आएगा नहीं, देखो वन जो है मैंने बताया, तो कल भी बताया था आपको, वन जो है सभी का फैक्टर होता है, प्रत्येक नंबर का फैक्टर होता है, यहां पे वन कॉमन आ रहा, देखो वन इसमें भी इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड, आपको पता है वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, प्रत्येक संख्या का एक फैक्टर होता है, तो वन बाहर ले लेंगे हम, अंदर क्या बचेगा आपका बेटा एक्स वन जा एक्स, प्लस बाहर लिया है हमने तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस बाहर लेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस बाहर लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे कि प्लस का माइनस हो गया था, ठीक है, और यहां पे प्लस बाहर लिया है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस टू हो गया बेटा इतना। चलिए इतना देख लीजिए आप, पहले इतना हो गया, यहां देखिए एक्स माइनस टू हमने लिया हुआ है, यहां एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू सभी में कॉमन आ रहा है, तो हम लिख लेंगे यहां पे, थोड़ा सा नीचे इरेज कर देता हूं इसको, उतार लेंगे आप वीडियो पॉज करके, ठीक ठीक है, अच्छे से उतार लेना बेटा, यहां पे देखिए तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, तो कॉमन को एक बार लिख लेते हैं, उतार लिया कॉमन, अब बचा क्या हमारे पास, बच क्या रहा है, एक्स स्क्वायर बच रहा है, माइनस एक्स बच रहा है, और प्लस वन बच रहा है, ठीक है, अपॉन में एक्स माइनस टू। देखिए बेटा अब मैंने कहा था ना एक्स माइनस टू ले आएंगे हम फैक्टर करके, इसके फैक्टराइज करके, जी ये जी एक्स जो दिया है इधर, इसके फैक्टराइज करके हम क्या कर देंगे, जी इसके फैक्टराइज करके क्या कर लेंगे हम, एक्स माइनस टू कॉमन ले लेंगे, तो एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, बस इतना ही बचा। ये क्या है हमारा जी एक्स, जी एक्स तो फाइंड करना था, निकल गया हमारा जी एक्स, ये आंसर हो गया, तो लिखेंगे हम हैंस जी एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये आपका आंसर। बेटा चाहो तो आप डिवाइड करके, देखो मैंने तो फैक्टराइज करके निकाला हुआ है, आप चाहे तो इस एक्स माइनस टू से, एक्स माइनस टू से ऊपर वाले को आप डिवाइड कर लीजिए, सीधे डिवाइड करना बता रखा है मैंने, आप डायरेक्टली डिवाइड करके भी जी एक्स आप फाइंड कर सकते हैं, ये मैंने ऐसे बता दिया, इसको वीडियो वॉच करके आप उतार लेंगे, और डिवाइड करने वाला मैं बता रहा था आपको कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कर पाएंगे आप, फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, तो आप ऐसा कर लेना बेटा, ये उतार लेना आप, ये कंप्लीट हो चुका है, आंसर भी आ चुका है, आप अगर फैक्टराइज करना आपको नहीं आ रहा तो दूसरा ऑप्शन मैं आप लोगों को बता रहा हूं बेटा, क्या करेंगे आप सीधे सीधे यहां पे आप ये इससे किसको डिवाइड करना, हमेशा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर डिवाइड होता है, तो हमें जीएक्स ही फाइंड करना है ना, तो जीएक्स फाइंड करने के लिए एक्स माइनस
टू से क्या कर लेना बेटा, इसमें एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू को डिवाइड कर लेना। डिवाइड करना मैंने पिछली सारी वीडियोस में बता रखी, लगभग तीन या चार वीडियोस ऐसी होगी जिनमें मैंने पॉलिनोमियल के डिवाइडेशन बता रखे बेटा। तो चलिए आप चाहो तो ऐसे भी आप डिवाइड करके आप ये जो क्वोटेंट आएगा आपका क्वोटेंट आएगा वही आपका क्या होगा जी एक्स होगा। ठीक है, क्वोटेंट में जो भी आएगा वो क्या होगा आपका जी एक्स होगा। ये एक्चुअली क्वोटेंट नहीं है बेटा, ये क्वोटेंट क्या है हमारा जी एक्स है क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं ना। चलिए थैंक यू बेटा, आप कर लेना। अगर फैक्टराइज करने वाला समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं अपना आंसर। ठीक है, थैंक यू। चलिए बेटा आपने आंसर लिख लिया होगा। अगर मैंने बताया था कि आपको अगर ये फैक्टराइज करके करा हुआ है आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप चाहो तो ये डिवाइड करके भी आप क्वोटेंट निकाल के क्वोटेंट ही आपका जी एक्स होगा बेटा, जो क्वोटेंट में आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप डिवाइड करना वैसे करना चाहते हैं फैक्टराइज वाला तो जो मैंने किया हुआ है उसको आप नोट डाउन कर लेना। अगर वो समझ में नहीं आ रहा आपके फिर भी तो आप डिवाइड कर सकते हैं अगर डिवाइड आपके समझ में आया हो तो। थैंक यू।